संपूर्ण विश्व भर में युवा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाई जा रही है। हार्दिक बधाई शुभकामनाएं सभी युवाओं को पहुंचे। आज सुबह टाइम्स के सभी लिसनर को ऑडियंस को मेरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर हरीश सरोहा फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ आपसे रूबरू हो रहा हूं। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बहुत हर्षोल्लास और एक नई उम्मीदों आशाओं के साथ मनाया जा रहा है और इस युवा दिवस की शुरुआत आज के ही दिन यानी 12 अगस्त 2021 में हुई थी। यूएनओ ने एक प्रस्ताव के तहत इसको पूरे विश्व में मनाने का फैसला लिया था, इसलिए आज पूरा विश्व 23वां अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे मना रहा है। मैं भारत के समस्त युवाओं को जो कि पूरे देश की आबादी का लगभग 60-70% है, जिनके ऊपर पूरे देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ और बड़ा सल्लिनता के साथ उनसे पुरजोर गुजारिश करूंगा, पुरजोर अपील करना चाहूंगा कि उस सोने की चिड़िया वाले देश को फिर दोबारा से आपको आगे लेके जाना है। जो सपना हमारे मनस्वी स्वामी विवेकानंद जी लेते थे, जिनकी यादगार में ही ये दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में गए थे 1897 में, उसके बाद वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रखर ओजस्वी मनस्वी वक्ता हो गए थे। तो मैं गुजारिश करूंगा भारत के उन समस्त युवाओं से कि वो अपनी हर ताकत को, अपनी हर बुलंदी को इस भारत वर्ष के लिए आगे लेकर जाए, ताकि आने वाला जमाना हमारा हो, आने वाला भविष्य हमारा अति उज्जवल हो। इन शुभकामनाओं के साथ मैं मेरे युवा साथी श्री लालचंद सोनी को भी बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ कि ये आज सुबह टाइम्स के प्लेटफॉर्म से निरंतर हर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक और दार्शनिक जितने भी पैराडाइम्स होते हैं उनके दिन प्रति दिन रात बोलते रहते हैं। तो आज के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर, बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड वी हैव द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, तो हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी का दिन है कि अगर युवा साथी जाग जाए, अगर वो युवा एकजुट होकर ध्यानस्थ हो जाए और देश के लिए सोचे, तो कारगिल से कन्याकुमारी तक ये भारत फिर दोबारा से वही सोने की चिड़िया बन जाएगा जो कि महात्मा बुद्ध के काल में था, जो कि सम्राट चंद्रगुप्त के काल में था, जो कि सम्राट अशोका के काल में था। तो मैं फिर अपनी बड़ी शुभकामनाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर सभी बच्चों को, सभी युवाओं को, माताओं को, बहनों को, सभी प्रोफेसर्स को, डॉक्टर्स को, लॉयर्स को कहना चाहूंगा कि अपने अंदर वो युवा ताकत को जगाइए और आप इस देश के लिए कुछ भी मर मिटने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक लालाई, एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से चलिए, क्योंकि अगर हम हमारे अंदर अगर जोश के साथ होश भी रहेगा तो मुझे लगता है ये मेरा देश भारतवर्ष फिर वही सोने की चिड़िया बन जाएगा और विश्व की सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाएगा। यूएनओ से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे देश को आप जरूर विटो पावर के लिए जरूर नामांकित कीजिए और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा कि युवाओं के लिए निरंतर आप नई नई योजनाएं लाइए, ताकि उनके दिमागों में, दिलों में अपने देश के प्रति प्यार जगे, अपने देश के प्रति स्वामी भक्ति जगे, अपने देश के प्रति देशभक्ति जगे। क्योंकि राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हम देश के बारे में ही, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि यूथ, बिकॉज यूथ आर द ओपिनियन मेकर। तो मैं सारे युवाओं को फिर आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि जो यूथ है, जो आज का युवा है, वो नेशन बिल्डर है, वो नेशन क्रिएटर है, वो चाहे तो देश को बहुत ऊंचे ले जा सकता है। और एक मैं थोड़ा सा दुखी मन से आज ये भी कहना चाहूंगा कि भारत के अंदर ब्रेन ड्रेन बढ़ रहा है, हमारी युवा ताकत जो है विदेशों में जा रही है, कनाडा जा रही है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, चाइना। तो गुजारिश करूंगा कि वो अपने ही देश में रहे, अपने ही मिट्टी में रहे, क्योंकि अपनी मिट्टी, अपना देश जो होता है साथियों, वो बुलंदियों को छूने के लिए होता है। हमें हमारी उस मिट्टी को, उस भारत माता को नतमस्तक होना चाहिए। और गुजारिश के तहत फिर मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि इस भारत को फिर दोबारा से आप बुद्ध में भारत बना दो और कारगिल से कन्याकुमारी तक भारत का डंका बजे। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ फिर मैं भारत को कहना चाहूंगा
कि निश्चित रूप से अगर युवा ताकत जागी रहेगी, सचेत रहेगी, अपना घर संभालेगी, तो निश्चित रूप से हम यूएनओ की परमानेंट वीटो पावर बनेंगे और दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेंगे, सबसे बड़ी सामरिक ताकत बनेंगे और सबसे बड़ी सुपर पावर बनेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं प्रोफेसर हरीश सरोहा लालचंद सोनी जी से अपनी रजा लेता हूँ। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।